हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक नई टीचर वैकेंसी आई है, सरकारी वैकेंसी है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की तरफ से यहाँ पे आई हुई है। अब देखिए बताते हैं कहाँ कहाँ वैकेंसीज आई हैं। सबसे पहले बात कर लें तो देखिए राजस्थान में है और चैल में है और यहाँ पे बेंगलुरु में है। तीन जगह के लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकली हैं अलग अलग लेवल की। इसमें आपकी सी टेट यू पी टेट यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन कर रखा है तो इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्या डिटेल्स है चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम बेंगलुरु की बात कर लेते हैं और जो लिंक है राजस्थान है वो दूसरी वाली, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं पीडीएफ लोड करके। ठीक है, यहां पे हम बात कर लेते हैं बेंगलुरु की। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु के लिए यहाँ पे निकाला गया है जो रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल है। देखिए पोस्ट सबसे पहले पोस्ट असिस्टेंट मास्टर मैथमेटिक्स के लिए, दूसरा केमिस्ट्री के लिए, फिर कंप्यूटर साइंस के लिए और फिर यहाँ पे हिंदी के लिए। ठीक है, अब देखिए ये एक नॉन गजटेड पोस्ट है लेकिन यहाँ पे सैलरी काफ़ी अच्छी है। लेवल 7 के हिसाब से यहाँ पे 44,900 से लेकर 142,400 तक यहाँ पे सैलरी आपकी पे स्केल जो है होने वाली है 7th पे कमीशन के हिसाब से। अब देखिए कुछ क्वालिफिकेशन है, जैसे कि एजेंशियल क्वालिफिकेशन पोस्ट की बात करें तो बैचलर डिग्री रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी से होना ही होना चाहिए जिस भी सब्जेक्ट्स में आपकी वैकेंसीज निकली हैं। ठीक है, ये जो है एजेंशियल क्वालिफिकेशन होना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। देखिए दूसरी चीज़, यहाँ पे एजेंशियल में आपकी बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस में भी हो सकते हो, अगर कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है तो उसमें भी आप हो सकते हो। जिस चीज़ से जिस सब्जेक्ट से आप भर रहे हो उस सब्जेक्ट से आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आगे कि कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन से, जैसे असिस्टेंट मास्टर की बात कर लेते हैं, बैचलर डिग्री इन मैथ्स विद एनी सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस स्टैटिक्स मैथमेटिक्स के लिए, अगर आप इन सब्जेक्ट से भी अगर आपने बैचलर किया है तो इसमें भी आप भर सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डिजायरेबल पोस्ट की बात कर लें तो मेन चीज़ होता है आपका एजेंशियल क्वालिफिकेशन। डिजायरेबल जरूरी नहीं है लेकिन अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस होता है तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप एजेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन से भर सकते हो। ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा जाएगा, भरा जाएगा ऑफलाइन, तो ये भी बात करेंगे। अगर आपने देखिए सीटेट पास कर रखा है तो भी आप लगा सकते हो, ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट हो जाएगा आपके लिए। ठीक, चलिए एज लिमिट की बात कर लें तो भैया 3 साल से 30 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 30 साल से कम वाले इसको भर सकते हैं। कुछ रिलैक्सेशन देखने को भी जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं क्लोजिंग डेट क्या है। तो 42 डेज जो है 6 वीक यहाँ तक फॉर्म आपके चलेंगे, तो फॉर्म अभी चल रहे हैं, आप लोग फॉर्म जो है भर सकते हो उसको। आगे यहाँ पे बात कर लेते हैं, देखिए जैसा कि मैंने कहा यहाँ पे फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म नहीं है, ऑफलाइन है, तो इसमें डिटेल्स क्या भरनी होंगी। सबसे पहले नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, एड्रेस जहाँ से आप डाले, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी डालना होगा, डिटेल्स एग्जामिनेशन पास जो भी आपने पास किए हैं, 10वीं 12वीं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड हायर क्वालिफिकेशन सीटेट जो भी आपके पास है आप दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम ग्रेजुएशन आपको देना ही देना है। ठीक है, डिटेल्स एक्सपीरियंस अगर आपके पास क्या है, अगर एक्सपीरियंस है आपने पढ़ा रखा है तो दे सकते हैं। कैटेगरी अपनी बता सकते हैं, 2 पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ, डेट ऑफ बर्थ जो है आप दे सकते हो, कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है उसको दे सकते हो आप, जाति प्रमाण पत्र जिसको कहते हैं, ठीक है, या एक्सपीरियंस है उसको दे सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको अटैच करना है और फॉर्म फिल करने वाली बात भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लें, 2 दिन में सिलेक्शन होने वाला, जहाँ पर डे 1 में आप देख सकते हैं स्क्रूटनी होगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का बाई स्कूल, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स ऑन द ओरिजिनल स्क्रूटनी, आपको लेके जाना है, जहाँ मैंने आपको डिटेल बता दिया। अगर एनसीसी सर्टिफिकेट से ये भी लेके जा सकते हैं, तो इतने सारे सर्टिफिकेट्स यहाँ पे चेक होंगे आपके। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए देखिए कोई परीक्षा तो यहाँ पे होने वाली है नहीं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपने बारे में लिखना होगा, सेल्फ जो है यहाँ पे अप्रेजल, मतलब कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अचीवमेंट्स क्या आपने हासिल किए, कितनी पढ़ाई किया है, क्यों आप ये जॉब करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको जो है 100 से 150 वर्ड्स के लिए लिखना है। देखिए डे 2 में क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा और टीचिंग प्रैक्टिस होगी। मीन्स कि यहाँ पे कुछ बच्चों को बैठाया जाएगा जिसको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, तो उनको जो है ले जाके क्लास में पढ़वाया जाएगा, तो वहाँ से जो है यहाँ पे बच्चों को छाटा जाएगा जॉब के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ बात कर लें तो जैसे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि डेट ऑफ इंटरव्यू टीचिंग प्रैक्टिस विल बी इंटीमेटेड टू द एलिजिबल कैंडिडेट्स लेटर ऑन, कैंडिडेट अपियरिंग फॉर इंटरव्यू टीचिंग प्रैक्टिस खुद से अपने आप से आइए। एस सी एस टी कैंडिडेट्स को जो है यहाँ पे कुछ अलाउंस मिल जाएंगे आने जाने के खर्चे, लेकिन अदर कैटेगरीज को नहीं मिलने वाला है। साफ तौर पर लिखा गया है कि एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ओनली थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्ट, एप्लीकेशन शुड बी एड्रेस टू द प्रिंसिपल RMS बेंगलुरु। ठीक है, जिस भी स्टेट के लिए आप भरेंगे वहाँ के एड्रेस आपको फॉर्म में दिया रहेगा, लिंक मैं नीचे दे दूंगा। तो आपको स्पीड पोस्ट करना है, स्पीड पोस्ट करते समय एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और ये है वो फॉर्म, इसको टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। ये है भैया प्रोफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन रहेगा, यहाँ आपको फोटो लगानी है, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मास्टर के सब्जेक्ट के लिए भर रहे हैं वो भरना है, न्यूज़पेपर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ यहाँ पर रेफरेंस नंबर कुछ भी डाल सकते हैं, NA कर सकते हैं नहीं है तो। ठीक है, किस डेट को करना है, डेट जरूरी है यहाँ पे, ये आपका रहेगा एड्रेस। ठीक है, फुल नेम, ये फुल नेम रहेगा आपका, फिर आप पैटर्न सर्टिफिकेट नंबर रहेगा, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज,
है ना, कैटेगरी अगर आप एक सर्विस मैन है वो चीज़ भी यहाँ पे भरी है, मतलब नेशनलिटी, रिलीजन, आपका एड्रेस प्रेजेंट, पुलिस स्टेशन, पिन कोड, स्टेट, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, परमानेंट एड्रेस, मतलब सारी, मोबाइल, ईमेल, सब कुछ भरी है। फिर कुछ परसेंटेज की डिटेल्स भी डालना रहेगा, एक्सपीरियंस क्या है वो डालना रहेगा, एनसीसी सर्टिफिकेट्स है कि नहीं डालना रहेगा, तो ये सारी चीज़ें आपको करके डिक्लेरेशन फॉर्म पर साइन करके जो है इसको कर देना है स्पीड पोस्ट। और ये भैया स्पीड पोस्ट कहाँ करेंगे, ये देखिए रहा एड्रेस, जब स्पीड पोस्ट आप करेंगे तो ये सबसे ऊपर लिखवाना है, द प्रिंसिपल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, म्यूजियम रोड, बेंगलुरु 50560025। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ्स लगा देना है। तो ये सारी चीज़ें आपको कर देना है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अब कमेंट करिएगा अगर आपको जिस भी स्टेट का आपको करना है, लिंक मैं दे दे रहा हूँ, वहाँ से जाइए, पीडीएफ लोड करिए, डिटेल देखिए कितनी वैकेंसीज हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ज़्यादातर रिक्वायरमेंट्स यही है, सिर्फ ग्रेजुएशन सीटेट नहीं मांग रहा है, तो आप लोग जो है इसको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।